अरे दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपका अभय सिंह, और दो एपिसोड तो आ चुके हैं जिम के, पर तीसरा नहीं आ सकता है क्योंकि मेरे पैर में लग गया है चोट। और आज मेरे घर परी आई है। परी कहाँ हो? परी आई है मेरे घर, और परी को छोड़ने जा रहा हूँ उस घर। तो चलिए मेरे साथ उस घर चलते हैं हम। काफ़ी तगड़ा व्यू है पीछे, देखिए ये। वाओ, कैसे हुआ। और फाइनली सलभ भाई के साथ हम जा रहे हैं आदित्य के घर। अभी बाइक हमने बीच में ड्रॉप कर दिया है क्योंकि भैया को चाहिए थी बाइक, तो बाइक दे दिया है। और पैदल चल रहे हैं हम लोग आदित्य के घर। चल रहे हैं 2 किलोमीटर होगा कि नहीं यहाँ से? होगा, 2-2.5 होगा। 2-2.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं पैदल से, पैदल चल चुके हैं मतलब। और चल रहे हैं आदित्य के घर उनसे मिलने। फाइनली हम आ गए हैं मेको स्ट्रीट, और मेरे साथ हैं आदित्य भाई, और ये रहे सलभ भाई करो। इंटरव्यू बहुत तगड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम खाने वाले हैं आज पिज्जा। क्या खाने वाले हैं आदित्य? पिज्जा। क्या? पिज्जा, पिज्जा। और पिज्जा के साथ कुछ और खाएंगे? पिज्जा, पिज्जा बस खाना है यहाँ पे। देखिए पीछे इसका इंटरव्यू बहुत तगड़ा है। ये मैंने टाइमलेस के लिए सेटअप तैयार कर लिया है। जब वहाँ से पिज्जा आएगा तो मैं टाइमलेस के हिसाब से आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं एट ऑल थिंग। तो बी हमारे साथ रहिए। तब जेल के बाहर आपके विधायक कौन है? मुख्तार अंसारी के विधायक जी हैं, जितने भी भाजपा के। सैलू दादा, आपकी चर्चा हो रही है। सैलू दादा, अरे पूरी भाई आपकी चर्चा हो रही है। पूरी भाई हमारा ब्लॉग बहुत बड़े टीवी देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं पूरी भाई से? नमस्ते पूरी भाई, नमस्ते। मिल जाए इनसे भी दिन से आके, फॉर्चुनर से आके, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली 1359। क्या चल, सुनने में आ रहा कि आप मेरे ब्लॉग के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, ऐसे में बड़ी वाली टीवी पे देख रहे हैं। अभी दो दो टीवी हो गए जी सर, जी सर। आपने देखा नहीं है? चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ब्लॉगर, ओहो चूतिया, देख रहे हैं आप लोग शब्दों का चयन इनका। ये वो है बीटेक वाले लौंडे हैं, और ये हमारे को चूतिया कह रहे हैं। तो जितने भी ब्लॉगर हैं, आइए लेके आइए, कोई बात नहीं। ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग इज गोइंग ऑन। भैया भी कह रहे हैं पिज्जा लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कहा भैया ब्लॉग चल रहा है। और अभी हम खाएंगे चौको लावा, ये रहा यहाँ पे, बहुत टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। और भी कुछ है, बहुत कुछ। अभी हमने ऊपर पिज्जा खाया था। यहाँ पे हम कर रहे हैं इंतजार चौको लावा का। कब भैया बन के आएगा? क्या भाई, ईटा के भट्टा में बन के आएगा? चलो भाई, आपको कैसा लगेगा पिज्जा? पिज्जा बहुत खास नहीं लगेगा, पिज्जा बेकार था। यहाँ का पिज्जा नहीं है, बाकी हर चीज़ अच्छी है यहाँ की। अरे जैसे जैसे यहाँ क्या खासियत है? सबसे बढ़िया केक यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। मेरे बर्थडे में पिछले साल भाइयों ने केक यहीं से लाया था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और जैसा आप बोलेंगे केक वैसा बन जाएगा यहाँ पे। कितने गोरे आ रहे हैं हम लोग। और ये आ चुका है हमारा, हाय बोल दीजिए इसमें। हाय गाइस, यूट्यूबर है। ठीक है ठीक है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है भाई। 1.5 लाख कम बोलो, मिलियन है। 1.5 लाख डिजिटल हो गया। एक मिनट, आओ जैसन कर लो, जैसन हम मोह में तो जैसन करना मत भूलिए। ये अच्छा है, बहुत तगड़ा यार।
आई लाइक इट। ये 80 का है, सिर्फ चॉकलेट। जी अकेले अकेले खा रहे थे कल, मुझे बताया भी नहीं, गलत बात नहीं तो खा। चलो पैसा तुम दोगे, पैसा तो है तुम्हें, कोई बात नहीं, घर देखेंगे। बर्तन मार दो, बर्तन मार जाएगा, बहुत टेस्टी है भाई, अच्छा है। एक दिन बाद आप देख सकते हैं, चलिए खा के बताते हैं, खा के और बताते हैं क्या हुआ। भैया वो बेचारे वहाँ से हाय कर रहे हैं, हाय गाइस बोल रहे थे। हाय गाइस। और टेस्टी लगने की वजह से हम लोग ले जा रहे हैं घर इसको, एक एक छोड़, हाँ एक छोड़ दीजिएगा, एक मैं पैसा दे रहा हूँ उसका। 205 का बिल मिला है आपको, जल्दी पैक करिए भैया। बहुत तगड़ा है वैसे ये पिज्जा, उतना सही नहीं है पर ये बहुत तगड़ा है आपका। पिज्जा सही नहीं है, पिज्जा उतना सही नहीं है, बाकी हर चीज़ सही है, पिज्जा उतना सही नहीं है। बहुत मोटा लेयर हो जा रहा है उसका, चौको लावा हम घर ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी था, घर वालों को भी टेस्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच। और फाइनली हम आदित्य को बाइक करने का समय हो चुका है, मौसम बहुत ख़राब है, अभी हमें बाइक लेना है सलभ भाई की शॉप से। तो चलिए आदित्य, कैसा लगा आज आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, चला जाए, पैदल चल चलते हैं। चलिए आदित्य भाई, बाय बाय। और फाइनली हम आ चुके हैं टोटो में, और भैया को हमने बैठा रखा है, बहुत खतरनाक बैठा है। रुकिए मैं दिखाता हूँ कैसे बैठे हैं, कैसे दिखाऊं इनका, एक हाफ साइड उधर है और हाफ साइड इधर है, और सलग भी है साथ में। जब भी मुझे समय मिलता है मैं टोटो टो चलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है सब चीज़ों से यात्रा करने में। और हम चल रहे हैं अभी फाटक, तो भैया चलेंगे, उसके बाद ये चलेंगे ब्रिटी, हमें जाना है फाटक के उस पार। यात्रा बड़ी ज़ोरदार है, भैया बहुत खतरनाक बैठे हैं, आप रुके दिखाता हूँ मैं। भैया खतरनाक ही है, अच्छा भैया खतरनाक भी हैं, खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में आने वाले हैं। अच्छा सीजन 6 में आ चुके हैं भैया, आए थे तो 3 दिन में 1.5 लाख रुपए लगाए थे। किसान उसान होगा यहाँ पे। अरे तेरी गजब, अब बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए यात्रा बहुत तगड़ी है, चल रहे हैं हम लोग फाटक तक, भैया भी मजेदार है, जैसे को तैसा मिल गया है। लाइव है क्या? नहीं नहीं, यूट्यूब पे है, हमारा चैनल है। अभी जो बात चल रही थी वो खतरों खिलाड़ी, उसके पीछे कहानी है, थोड़ा भैया के मुंह जवानी सुन लीजिए। हाय गाइस, आई एम चंदन गुप्ता फ्रॉम मऊ। ओह माय गॉड, ब्रदर आ रहे हैं, भाइयों ब्रदर आपके हैं, वाह ब्रदर ब्रदर। और भैया को 7 तरह की लैंग्वेज आती है, मैं आपको 7 तरह की लैंग्वेज बोल के सुनाऊंगा। मैथिली बोलूँगा, भोजपुरी बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा, हिंदी बोलूँगा, कन्नड़ बोलूँगा, मलयालम बोलूँगा, और थोड़ी बहुत मराठी भी बोलता हूँ। वाह, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? मतलब केरला से करिए, वहाँ नीचे से ऊपर तक आइए। अच्छा, तो नमस्कार, निंगल चंदन गुप्ता, यहाँ माहौल बिलोंग। जो ये खतरों खिलाड़ी वाला था वो भैया बता दीजिए, 3 दिन में कैसे आपने 1.5 लाख कमाया? कमाया नहीं, गवाया। अच्छा गवाया, वो कैसे? 2 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट थे बेहोशी की हालत में। जब होश आया तो देखे कि ये तो प्रकाश हॉस्पिटल है, मऊ का सबसे महंगा हॉस्पिटल। अपने घर वाले को बोले कि जल्दी इसमें से डिस्चार्ज कराओ, नहीं तो जो भी है उसको बेचना पड़ जाएगा। पल्सर लेके हम ट्रक के नीचे घुस गए थे। अच्छा, तो कुछ लिए हुए थे क्या लिक्विड पे? हाँ, अच्छा लिक्विड लिए थे, ड्रिंक किए थे, ड्रिंक किए थे भैया। सीधा ये वैसे यूपी वाले सीधा घुस जाते हैं कहीं भी, लेने के बाद तो ये लेने के बाद तो और घुसते हैं। योगी और मोदी से कम नहीं है, लेने के बाद इनसे तो बात ना करें आप, जा यही सही रहेगा। और हम लोग यहीं पर भैया छोड़ दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय कैसे कट गया मालूम ही नहीं चला। ओके बाय।
रुकिए हम लोग फॉलो करें। हाँ पहले मैं दिखा दूँ, कमेंट भी करें, दिखा दूँ भैया कैसे बैठे। रुक जाइए रुक जाइए, भैया बैठे रहिएगा इसी तरह। देखिए भैया का स्टैंड कैसे बैठे थे, अभी हम लोग दो लोग यहाँ बैठे थे, भैया यहाँ बैठे थे, और इन्होंने बताया कि यूपी वाले कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं एडजस्ट भी जाते हैं। सही है भैया। जब गाँव में ट्यूबुल खनाता है तो लोग दर्शन, ट्यूबुल खनाता है, रुक जाइए भाई रुक जाइए, जब ट्यूबुल खनाता है तो कुछ लोग देखने आते हैं, खलियर वही हमारी माता श्री हैं, दौड़ के आइए क्या करत हो क्या करत हो। इन्होंने मेरा एकदम जीना मुश्किल कर दिया है, जब मैं घर पे आ जाता हूँ यहाँ बैठता हूँ, देखिए अभी यहाँ बैठी थी, अभी भाग गई उधर, अब देखिए वहाँ क्या कर रही हैं, वहाँ कोने पर देखिए आप लोग कोने पर हैं, अभी आएँगे वहाँ से, देखिए अभी ये चली गई। ये मेरा उत्पीड़न करती हैं जब मैं घर आ जाता हूँ शाम को, इसीलिए मैं रात के 9 बजे तक घूमता रहता हूँ, इससे मेरा शाम को उत्पीड़न नहीं होता है। मैं दिन भर तो घर में ही रहता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, इधर उधर टहलता रहता हूँ, पर जब शाम करता हूँ तो ये उत्पीड़न हमारी करती है हमारी माता श्री। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो जिन भाई बंधुओं बहनों सखा सारथी ने मेरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, अपने भाई को योगदान दें, बाकी लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताएं। और ये देखिए सब्जी तैयार हो रही है, वाह। चलो जय हो जय हो।